बेबी नहीं यार, बेबी भी थोड़ा नोटी है, जिद प्यारा है बेबी। मैं गाड़ी देने चली गई, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियां खड़ी थी शोरूम में। अभी सुबह के 9 बजे थे, बच्चे स्कूल चले गए थे और लोग काम पर जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। बारिश हो रही है बाहर, चलती हूँ थोड़ा बाहर। स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ, स्ट्रॉबेरी। सॉरी गाइस, काम भी सीख रहा और पढ़ाई। इंडिया में तो ऐसी 10 निकला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं गुरमीत कौर और सिंह फैमिली में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आज है थर्सडे और बच्चों को रेडी कर दिया स्कूल के लिए। आज सुबह एवलिन बोल रही थी, मम्मा कब छुट्टी होगी? मैंने कहा बेटा एक दिन और है, फ्राइडे बस, फिर आपको छुट्टी होगी, आराम से सो लेना। बस दोनों तैयार हो गई हैं और आ रही हैं नीचे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और फैमिली का मेंबर बनिए और एक लाइक जरूर दे फ्रेंड्स, और वीडियो एंड तक जरूर देखो अवलिन क्योंकि आगे से आगे वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और डोंट मिस नथिंग, हमारा फ्लो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 मिनट टाइम निकाल के जरूर देखना, प्यार से देख लेना, हम प्यार से बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अलीजा और मैं कुछ दिखाती हूँ, मेरा फ्रेंड बुक। वो आपके पास फ्रेंड बुक है? ये मेरा फ्रंट पेज है। अभी मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड का पेज दिखाऊंगी। कौन आपकी बेस्ट फ्रेंड? ईजा। ओ या विक्की है। अभी तो वो पोलैंड चली गई ना अलीजा, आप उसके साथ बात करते हो? वाह, कितनी छोटी थी। हाँ बहुत छोटी थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, अगर मैंने और कुछ सिखा, और मैंने ये फोटो बनाया। अरे वाह, कितनी सुंदर बनाई है ना अलीजा। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। अवलीन भी आ गया है। हेलो गाइस, को पर मैं माशा दिख रही हूँ। ओह, माशा एंड बेयर देख रहे हो सुबह सुबह, आपका फेवरेट है? मेरे को माशा बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। और मेरा दांत निकल गया, आ जा ना। अरे अरे अरे, अवलीन के दोनों दांत निकल गए। और एक दांत ऊपर वाला है। ऊपर वाला भी हिल रहा है। पता, कोई कुरी रो रही थी और कहती, उसको ऊपर निकल के मेरे कहती मम्मा कर लेती, और रोती थी क्योंकि सिस्टर के साथ, और उसको सिस्टर को देना है उसके ओरिंग सा, और एक ओरिंग निकल कैसी, और फिर वो बहुत रोई थी। ईयरिंग निकल गया क्योंकि बंद हो गया सी, कान बंद हो गया था। हाँ, था और स्कूल पर निकल गया था। मैंने ये ओ मशीन वाला जाना, वो क्लिप करने मैंने नहीं जाना। हाँ, वो बहुत दर्द करता है ना। हाँ, यहाँ पर पिस्तौल से वो करते है ना शे। हाँ, पिस्तौल से एक मिनट में वो कान में डाल देते हैं छोटा सा इयररिंग्स, है ना। तो चलो चले स्कूल छोड़ने। वो देखो माशा ने आग लगा दी। गाइस, मैं क्रेक पर खाऊंगी, पर डरना मत। देखो ओवी, तूने उंगल खा ली। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं गाड़ी देने चली गई, उसकी सर्विस करवानी थी। गाड़ी वालों का फ़ोन आ गया था कि गाड़ी छोड़कर चले जाओ, हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं। और वो 2-3 घंटे बाद फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं आकर ले जाओ, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, बस 5 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ खड़ी थी शोरूम में। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को दिखाएं, बहुत सुंदर लग रही थी। गाड़ी को छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक पर गई, और ये यहाँ का बस स्टैंड है फ्रेंड्स।
यहाँ पर बस आकर रुकती है, हम लोग यहाँ से बस ले सकते हैं। और ये साइड में जो रोड है रेड वाली, ये साइकिलों के लिए बनाई गई है, और दूसरी साइड पर गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये स्पेशल साइकिल वाली रोड है। अभी सुबह के 9 बजे थे, बच्चे स्कूल चले गए थे और लोग काम पर जा रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था और घूमकर बहुत मज़ा आया। जो ये वाइट लाइंस दिख रही हैं फ्रेंड्स, ये पैदल पार पथ है। यहाँ पर पहले आदमी जाते हैं, गाड़ी को रुकना ही पड़ता है क्योंकि आदमी की पहल है। काम सब डन हो गया, आ गई हूँ नीचे। आकर मैंने साग धोया, मैंने कहा चलो इनको साग बना दूँ, इनका फेवरेट है, धो के रख दिया। बस थोड़ी देर बाद कटवा लेंगे साहब से और फिर मैं बना दूंगी। आ गए हैं हेल्पर साहब। हेल्पर साहब हाजिर है आपकी। हेलो हैप्पी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? हम सब ठीक है और बना खाएंगे साग आज, है ना? और मैंने कहा बना दो, और भूख बहुत लग गई है। काम करते करते लेट ही हो जाता है ना, पहले ऊपर का करना पड़ता है, फिर बीच वाला करना पड़ता है, जो भारी सामान होता है ये उठाते हैं धीरे धीरे, सफाई करके चादरें वगैरह चेंज कर दिए, सारी सारा काम खत्म करके फिर ही आते 11 बजे 11:30। थोड़ा हेल्प करता हूँ। हाँ, फिर बच्चे तो चले गए हैं, वो तो आएंगे लेट दोनों, तो हम लोग फ्री हो गए। आज बारिश हो रही है बाहर, आज जाएंगे ना दुकान पे ना। हाँ, साथ साथ क्योंकि थोड़ी वॉक करके हम, या और अलीजा अपनी ने कुछ मंगाया ना दुकान। हाँ, से वो आज डिमांड करके, वो आपके लिए सरप्राइज है। और बस आज मैं बनाऊंगी, गोभी पड़ी थी थोड़ी सी, मैंने कहा उसका पराठा बना लूं, खा के फिर लगती हूँ काम पर, वीडियो एडिट करने वाला पड़ा है वो करके। गोभी के परांठे आज इनको खिलाने लास्ट बार बस। वाह, हाँ, प्रेगनेंसी के बाद फिर डाइट शुरू होगा ना। हाँ, फिर नहीं खाऊंगी, फिर कोई परांठा नहीं, प्रॉमिस नहीं। खा लो, खा फिर मांगोगे तो भी मैं नहीं बनाऊंगी। आप खा सकते हो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। फेवरेट परांठा कौन सा आपकी? गोभी, मूली का, मूली ना, और आलू का, और मेरा आलू का है। अब ये तीसरा नंबर है गोभी का, तीसरे नंबर पे आ जाता है ये ना। हाँ। ये सेकंड बेस्ट है। चलो खाते बनाते हैं। गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया, वाह, उसमें डाल दिया लाल प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, खूब सारा। साहब लगता है आपको भूख लगी है, पराठा फूल गया। आप तो कहते थे खाना, बेबी को लगा। बेबी को भी लगा। कई दिन पहले किसी ने कमेंट किया, आपके परांठे कैसे फूलती है ना। आप कहते बार बार ट्राई करो, ट्राई ट्राई अगेन प्लीज। प्रैक्टिसिंग मेक्स आर्ट, है ना। पराठे बन गए हैं, आ गए खाने। कल मैंने चटनी बना कर दी थी टमाटर की, उसमें तेज वाली मिर्च डाल के, इनको पसंद है, डब्बा भर के बना दी। अब मैंने कहा है इसी के साथ ब्रेड खा लेना। मैंने कहा इस चटनी के साथ ब्रेड खा लेना, सब्जी ना बनी तो। बेबी के बाद। हाँ, बहुत स्वाद होता ब्रेड पे। हाँ, बहुत सारे लोग खाते हैं ना। जो यहाँ पर मिर्ची मिलती है ना फ्रेंड्स, वो इंडिया में नहीं मिलती, बहुत ही तेज होती है, उसका कलर भी येलो होता है ना। हाँ, लेके ना ये वाली मिर्च, ये ग्रीन है ना, इसमें ये ग्रीन से येलो हो जाएगी, थोड़ी सी भी लेंगे ना बस आग ही लगा देगी अंदर। बहुत अच्छी, नहीं मैंने पहली बार यहाँ पर आकर देखी थी, फिर मैं इंडिया भी लेके गई, उनको बोला भी था कि लगाओ मम्मा पापा को कि शायद हो जाए, पर टेस्टी लगती, चटनी में यही मिर्ची जाती है। चलती हूँ थोड़ा बाहर, हलीजा अवलीन के लिए जो सामान लेना है जल्दी से लेके आती हूँ, अगर उन्होंने दुकान के अंदर जाने दिया तो पूछूंगी। कब से मांग रही थी दोनों, उनके आने में भी 10-15 मिनट रह गए, बस लेके जल्दी से फिर उनको लेने जाएंगे स्कूल। मैं आ गई हूँ, अभी जाऊंगी दुकान के अंदर, वहाँ पर दो हंस जा रहे हैं पानी में, ये यहीं पर रहते हैं, इनका घर ही है इधर, बहुत बड़े हैं। अभी दूसरी साइड निकलेंगे। दुकान पर सामान नहीं मिला, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, कहते कल आना, आज थोड़ी भीड़ है। अभी आ गई हूँ अलीजा अवलीन को लेने, छुट्टी हो गई है, बच्चे बाहर आ रहे हैं। ये कितना प्यारा साइकिल है ना, इसमें बच्चे बिठा के लेके जाते हैं गोरे।
अलीजा अवीन भी आ गई है स्कूल से। क्या करने लगे हो आकर बेटा? बना रही हूं। कुछ बना रहे हो? बस आते बनाने लगते है ना। और आप मैडम? मैंने आपके लिए स्लाइड बनाऊंगी। मेरे लिए बनाओगे क्या? वो तो सरप्राइज है। ओ सरप्राइज बनाओगे। बना डॉल्फिन बनाई है। बच्चे आकर बाहर खेलने लगे हैं। अलीजा अवलीन ने आज घर बनाया वहां पर, कहती हम लोग वहां खेलते। क्या कर रहे हो अलीजा अवलीन? मैं खाना बनाती हूँ। ओ खाना बना रहे हो? और आपके बेबी सिधर है? हाँ। ओ, गाइस। ओ मेरे मुन्ना। ओ देखो। हाँ मुन्ना। ये मुन्ना है? अब क्या बना रहे हो फिर? अरे छोटी बेटी तुम ना चाय। कौन सा खाना बना रहे हो? यू मैं मेरे हाथ वाशूंगा, मेरे को थोड़ी सी ठंड लगता है। हाँ हवा चल। मैं देख मेरे हाथ वाश करूं। हाँ ओमतावा रोटी बना रहे हो? हाँ अब मैं बाउल के अंदर एक रोटी बनाकर फिर मैं एक में विच मैग्नो पे बनाती हूँ और अरे वाह रेडी हो गया। सोते हैं तुम भी? सो और मैं आपके लिए काटती हूँ। वेरी गुड। और मैं जा रही हूँ किचन में और बनाऊंगी साग। साग को मैंने बनने के लिए रख दिया, बस अभी लगा दूंगी तड़का। बच्चे खेल रहे हैं बाहर। शाम के हो गए हैं 4:30। टाइम का पता नहीं चलता, जब बच्चे आ जाते हैं टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। बस साग बना दूं, वो तो आज खाएंगे कुछ और, दोनों मैं और साहब खाएंगे साग। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरी बेटी के साथ अवलीन के घर जा रही हूँ। और देखिए उधर है अवलीन के घर। और इधर मैं देखो, मेरे बच्चे फल लो। पाती हूँ आपकी बच्ची। हेलो गाइस, मैं ना स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ। स्ट्रॉबेरी हम इधर बाजू पर आए हैं क्योंकि मेरे घर अजय बनाता जा रहा है। निशा तुम मेरे घर नहीं आओगे? तुम मेरे घर नहीं आओगे तो आपके पास कभी भी नहीं आऊंगी, ठीक है? आ जाओ तू का जो मैं आती हूँ। हाँ ओके। और गाइस अभी हम आ गए मेरी घर में। ये है मेरा घर। मेरे पास ना मेकअप है, इधर मेरे पर्स पे, और ये फाउंडेशन, और ये पैलेट, और ये बिंदिया, ये बिंदी भी है, और ये बिंदी भी है, इस सारे और लिपस्टिक इस आँखा पर लगाने के लिए, और ये भी, और वो लिपस्टिक, और मेरी एयरब्रश, और ब्रश। अभी आती होगी पर मैं बातचीत खाते हो और हम दोनों मेकअप करेंगे कुछ और आके फिर हम। और गाइस अभी हम एक चैलेंज करेंगे मेकअप पर। हाँ हम सब कुछ रखते हैं और हम मेकअप चैलेंज करेंगे। ओके अवनी मैं पहले शुरू करूंगी और मैं भी, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है मेरी वैंग्स। ये लगाऊंगी फाउंडेशन पिन। चलो लाल होगी प्रिंसेस। आपको पता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, वो तो मैं हूँ। देखो अवली क्या कर रही है। मैं देख सकती हूँ कैमरा में? सॉरी गाइस
अब मेरे बाजी देखिए एक शीशा और आईशैडो भी मैं करूंगी। ये तो हमारा है, ये तो टूट गया, पर कोई गल नहीं, मेरी मम्मा ना कभी भी गुस्सा नहीं होती। ए टूटी आर्मर, ये हमारा मेकअप है गाइस। मम्मा अवनी को दे रही थी वो वीडियो में, हाँ एक वीडियो जो मम्मा दिखाती थी वो यही मेकअप दे रही थी। हो गया बत्तियार, सुंदर लग रही हो प्रिंसेस अलीजा क्वीन अवनीन। अफलीन क्वीन लग रही हूँ। बना रहे हैं लहसुन का पेस्ट, मैंने कहा चलो बना दे, अलीजा कर रही मेरी हेल्प, इसको बहुत मजा आता है लहसुन छीलने में, है ना अलीजा? हाँ। अफलीन क्या कर रही है? और वो ऊपर खेल रही है ना? हाँ। छोटी है ना बेटा वो भी? हाँ। और तो खेल सकती है, इतनी मोटी मोटी वो गंडियां है ना लहसुन की, इंडिया में तो ऐसी 10 निकल आए, उनका टेस्ट भी बहुत होता है इंडिया वाली लहसुन का, जितनी बारीक होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है। ये स्पेन वाली लहसुन है, जो चाइनीज लहसुन आती है वो तो बिल्कुल फीकी होती है। ये तो बहुत गंदा, तुली गंदा का है, गंदा हाँ वो चिपकते है ना हाथ, इसलिए आपको ऐसे लगता है, पर आप कहते मैंने करना है मम्मा। कोई गल नहीं, काम भी सीख रहा और पढ़ाई भी कर, सारे बच्चे तुम मम्मा की हेल्प भी करो। और हेल्प करनी चाहिए ना, अब अलीजा 9 साल का हो गया है ना, तुम भी 9 साल फिर तुम भी ये करना, तब जब छोटे हो फिर पढ़ाई करो। हाँ जब छोटे हो 9 साल से फिर पढ़ाई करो, फिर 9 साल के हो फिर थोड़ा सा काम करो। लहसुन का पेस्ट बन गया, बस अभी इसको डाल के रख देंगे डिब्बे में, इस बार ज्यादा बना लिया, 1 महीना निकल जाएगा। बस काम तो हम सब कर रहे हैं पर बेबी नहीं आ रहा। रोज सारा काम करके रख देते, कहते ये भी हो जाए ये भी हो जाए सफाई भी हो जाए, हफ्ते में 2 बार सफाई होगी बेबी फिर नहीं। अभी कोई चीज रह ना जाए, बस मन में ये है ना कि पीछे कोई करने वाला नहीं है, है ना, बेबी भी थोड़ा नोटी है। जिद पे अड़ा बेबी, टाइम पे ही आएगा जो डेट दी है। खाना हो गया रेडी, साग बन गया, बनाई है मक्की की रोटी, बच्चों को दिया थोड़ा थोड़ा चिकन साग के साथ, बच्चों आ जाओ बेटा खाना खा लो। तो बस करते हैं डिनर, आ गए हैं बच्चे, आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय।